आज यार चल लाली हो बजा दो काकले रहा है केवल अभी एक मिनट वो आ रहे हैं यार थोड़ा दिक्कत होगी ना उनको। तो यार दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ इंडियन रेलवे में काफी लंबे समय बाद चुके यूके ले ले। मैं पहली बार मैं दोस्तों हम ट्रेन से उतर चुके हैं हम पक्के जा रहे हैं लाल कुआं पहुंच गए तो दोस्तों पेमेंट नहीं होगी तो अगर फिर क्या होगा नहीं हो रहा यार अभी हो गया भैया हैं क्यों आयो दोस्तों प्रेम टाकीज में उतरने के बाद मुझे जाना है रेलवे स्टेशन हल्द्वानी। दो ऑप्शन थे अगर गाड़ी से जाऊं मतलब क्या बोलते हैं टुक टुक से जाऊं 40 रुपया लेते हो एक किलोमीटर घूम के आना पड़ता तो काफ़ी अच्छे अंकल जी मिले टुक टुक चला रहे थे उन्होंने बोला बेटा 50 मीटर मिले पटरी जाओ देखो मैं जा रहा हूं। और चलते स्टेशन भी आ गया लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है मतलब 50 मीटर के अंधेरे में बहुत सारे लोग मिले रिस्की थे थोड़े नशीले टाइप के लेकिन उसमें क्या था कि एक ही ऑप्शन था मेरे पास अगर ज़्यादा कोई क्या कर दे कपाल फोड़ देने मतलब फिर तो यार करना ही पड़ता ना ज़्यादा दिक्कत कोई करता तो क्योंकि एक तो हूँ अकेला फिर न सेम टाइप के दिख रहे थे सर अधिकतर लोग नहीं डरते नहीं यार डर नहीं भी ठीक छे। तो मनीष सर वेट कर रहे हैं वहाँ पे मनीष सर और मैं साथ जाएंगे देहरादून और काफ़ी लंबे टाइम बाद मेरी ये रेलवे एक्सपीरियंस होने वाला। तो यार दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ इंडियन रेलवे में काफ़ी लंबे टाइम बाद और मेरे आज के टूर के साथ ही पहले इंट्रो दे देता हूँ इनका मोस्टली लोग जानते हैं लेकिन एज अ रेड क्रॉस के बिहाफ पे हमारे माउंट एवरेस्ट फतेह किया आपने मनीष कसिन्याल जी और रेड क्रॉस के साथ साथ अन्य चीजों में आप मेरे से काफी सुपर सीनियर हैं तो आज की मेरी जर्नी आपके साथ रहने वाली है और इंडिया के ये ब्रांड एम्बेसडर है रेड क्रॉस सोसाइटी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी तो काफी प्राउड मोमेंट होता है यार और इनके साथ आज की मेरी ट्रेन शेयरिंग होगी इनकी वजह से आज ट्रेन पे जा रहा हूँ अदरवाइज मैं नॉर्मली या तो बस में धक्के खाता अति हो जाती वॉल्वो में आता तो सर ने बोला कि यार मैं जा ही रहा हूँ तू भी आ जा नहीं तो मेरे को ना ये होता है क्या कहाँ जो ढूंढूंगा कौन सी बोगी क्या मैं क्योंकि जो भी मैंने सफर किया पिछले 8-10 साल पहले किया उसके बाद नहीं किया है तो आज का सफर सर के साथ शुरू होगा और सर की तबियत खराब काफी मजा आने वाला है बहुत बेहतरीन बहुत मतलब आप देखते रहिएगा आपको लगेगा नहीं कि इतने जॉली नेचर के भी है। तो यार दोस्तों हम लोग अपनी जर्नी शुरू करने ही वाले थे तो मुझे नहीं लगा था यार कि कोई मेरा परिचित मिलेगा और दो परिचित लोग मिले और दिखाता हूँ ये लोग किस तैयारी के साथ देहरादून जा रहे हैं ठीक है। ये मनीष सर है देखो इनका उलझिया देखो और बैग देखो एक हाँ ये मैं मेरे बैग चाहो एक इनफ ये सिर्फ दो लोग हैं इनके बैग देखो एक द्वि तीन चार पाँच छः अब मैंने इनसे पूछा है कहाँ ले जा रहे हो इनका कहना क्या होता है गर्ल्स देखो ना गर्ल्स कि क्या ले जा रहे हो खाने पीने की चीज़ मैंने कहा ठीक है मैं अगर रूम में रूम नहीं लूँगा मैं रूम पे रहता हूँ नहीं हॉस्टल में देखा हॉस्टल में तो यार मैस वगैरह होता ही है तो क्यों ले जा रहे हो 5 रुपए का कुरकुरा ना 10 रुपए में देते हैं तो पाँच का 30 में पाँच का रखती नहीं रखती 30 का है तो जातली तो मिले ना तो कितना ही मिलता होगा सोच देखो यार मतलब पैसा बचाने के लिए 6 बैग लेके जा रहे हैं लोग 6 नहीं 7 हैं और भी कुछ है बैगों में खाने के अलावा ठंडों के कपड़े अच्छा गर्ल्स ठंडों के कपड़े 7 बैग तो अभी ये लोग यार अपनी जर्नी शुरू करेंगे हमारे होनहार छात्र तो मैं इनसे एक क्वेश्चन जो आप लोग का हमेशा रहता पूछता हूँ इनसे तो अभी आप लोग बीटेक कर रहे हैं ना तो बीटेक के बाद जॉब करोगे बीटेक के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे बैंकिंग में जाओगे ठीक है ये लोग और सीट खाते हैं यार सर क्या कहते हो आप बीटेक के पास ऑप्शन ही नहीं बस अरे जॉब तो भी आया बतेरी जॉब भी आया जॉब कर ही सकना ठीक है बैंकिंग और वो आने आना ठीक है जॉब करना है प्रॉपर अपना तो यार भाई साहब बैक टू बैक ऐसे सरप्राइज मिल रहे ना अब हमारे बीच बीटेक वाले साथियों के बाद आ चुके हैं उत्तराखंड की खोज के नायक
और मुंबई की शान हमारे जगजीवन कन्याल जी। मजा आ गया, कैसे हो? बस मजा आ गया यार, मैं तो बट छूटने वाली थी मेरी। अच्छा, मैं वहाँ खड़गम पहुँच गया। अच्छा अच्छा, पता चला कि यहाँ हफ्ते में, अच्छा हफ्ते में 3 दिन शायद यहाँ से जाती है। दोस्त मिलकर सब कुछ यार, दोस्तों असली सफर अब शुरू होगा। उत्तराखंड की खोज के नएगा, मैं भी तरासेंगे। और मैं घर बैठे रोट ला रही हूँ, रोट। अब तो मजा आ गया भाई, हमारा खाना आ गया। खाना मत भिजवाना, जगजीवन दा मिल गए, घर से रोटी लाए, ठीक छा ठीक छा, ओके। तो यार दोस्तों, ट्रेन ना उल्टी दिशा में जा रही है, इनको पता नहीं चल रहा शायद। मैं बात बता दो तो उल्टे जम रहे हो बाटा उठ के जे यूथ के जम रहे हैं। अरे उधर को जाना नहीं, इतना बाटिया लग रही है, इंजन पीछे लग गया क्या? दोस्तों हमें देहरादून जाना है, तो हमें फल थोड़ा जान यार उसका पटरी में कौन से काम करे, क्योंकि मैं पता क्या रहा हूँ। ओ का कागले आ रहा है केवल। ओ का यहाँ फिर अभी एक मिनट वो आ रहे हैं यार, थोड़ा दिक्कत होगी ना उनको यार। आता है यार इसको, शाबाश यार, चल लाली हो बजा दो। कुछ पाड़ी जाए यार तू। सही है यार, इसका साइज बहुत परफेक्ट। तो सर ये इतना छोटा क्यों है फिर? ये छोटे बच्चों के, ये छोटे बच्चों, सच में छोटे बच्चों के है। यूके लद्दाख टूर गया था ना, मुझे एक बंदे ने एवोकाडो खिलाया, और फर्स्ट टाइम मैंने सुना तो मेरे मुख बटे कस क्या बता सो एक नाम एवोकाडो, तो इसका नाम बताया क्या? योगे। हम सच में बहुत पीछे हो यार, सच में मुझे रियल में पता नहीं था इसका नाम। मेरे ऊपर गिटार है भी, तो दोस्तों अगर आप लोग भी इसको गिटार समझते थे तो कमेंट सेक्शन में बताएं, बिल्कुल नकल नहीं करनी है। और जिसको पता था इसको यूकेलेले कहते हैं, वैसे तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारे बस की तो बाहर ही है, मुझे नहीं पता था मैं क्या बताओ घर छिची। और ये लोग यूकेलेले वाले ले सिर्फ तो काम चल जाएगा हमारा। बड़े प्यारे प्यारे साथी मिले यार, एक है मैं भुखनंगन जा, ए बैग ले बह रही हूँ, पानी भी नहीं लाया उसमें अपना। तो यार आज का हमारा सफर फ्री में कट गया है, तो आने वाले 4 दिन में भगवान से दुआ करता हूँ देहरादून में भी ऐसे लोग मिले। लेकिन मेरे को आज सच में एक नई चीज़ जानने को मिली यूके ले ले। अभी बढ़िया नाम रह गया, गिटार वाद्य यंत्र बजोने वाले केले, मतलब वैसा भी थक जाए, मूड खराब कर जाए। जा चुके हैं, मिठाई क्यों लाए फिर आप? खाना कैसे आप? तो खाना है, खाना है। अगल बगल वाले गले आते यार, बकता है ऐसे। खैर अभी तो हमारा एरिया है, कोई दिक्कत नहीं दे रहा। तो दोस्तों आपको हकीकत दिखाते हैं, नवराज ब्लॉग सिंह ने सब्सक्राइब किया नहीं किया, ठीक है? आपने सब्सक्राइब किया है? अभी तो पहले हंसने लगे, बहुत बेइज्जती हुई है। ये तो बहुत बुरी बात, बहुत बुरी बात। ये खाली बल इसकी मम्मी ने किया है। मम्मी ने किया, पापा ने, पापा ने भी किया, मैंने नहीं किया। ये क्या बात हुई? ये YouTube ने चालू नहीं। अच्छा, फोन अभी, सच बताओ, इनको फोन अभी मिला है तब सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अभी कर देते हैं, अभी करते हैं। मैं देखो की पूते लाल पकड़ती टीटी राहुल को, टीटी सर का नाम है, छेदी लाल पटेल। मैं किसी के नाम की मजाक नहीं उड़ा रहा, मेरा भी अपने आप में जो नाम है भी चित्र है ना उड़ा। अब यार प्लेट बोल रहा है मेरे ऐसे नजर के ऊपर, पहला ही वर्ड मैंने छेदी लाल चाहे बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया है, वो तो अगले हमारे साथ सम्मानित कन्या तो मैंने ऐसे कंट्रोल किया है। अब सम्मानित लोग के हमने तमीज से रहना पड़ता है ना।
हाथ पकड़ना मैं गिरूंगा। माल गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, तो दोस्तों माल गाड़ी खड़ी है, माल गाड़ी के बगल में हमें हाथ जो टकराया गया भाई दूर है, बहुत दूर है डब्बे में, और मजा आ गया यहाँ पे खड़े होने में। हम जनरल में नहीं है क्या, हम क्या खड़े एसी में, हम समझ स्टैंडर्ड है भाई। जनरल में जाएगा कैसा होता है तो आपको दिखाते हैं, जनरल डिब्बा कैसा होता है पता तो होगा ही, मैं खुद एक्सपीरियंस करके आना आता हूँ कि मैं काफ़ी लंबे टाइम बाद ट्रेन का सफ़र कर रहा हूँ, तो मैं देखना था कि जनरल डिब्बा कैसा रहता है। दोस्तों अभी हम स्लीपर पे आ चुके हैं, अभी जिस बोगी पे हमें ये स्लीपर है, स्लीपर कुछ ऐसे होते हैं, देखो हम सारे डिब्बों का सर्वे करेंगे कहाँ पे क्या कैसा, दिखाता हूँ आपको एक मिनट। ये देखो भाई का भला करे भगवान, एक घंटे के मिनट क्या चाय मिले यार, थैंक यू। इसी स्टेशन में भेजते हो आगे को आओगे हमारे साथ? अच्छा भेजते रहोगे, पीछे भी चाय करे कोई छोटा आ गया। तो देखो चाय मिल चुकी है हमारी, चाय की तलब पूरी होगी। ओ भाई साहब गजब चाय हो रही है तो यार दोस्तों, 140 रुपए का खाना मंगाया मैंने, कहा 100 रुपए का नहीं होगा तो दैजू नाराज होगी। आहा नवराज खाना है यो। तो दोस्तों पेमेंट नहीं होगी तो अगर फिर क्या होगा, अब तो खाने भाग जाओ। नहीं हो रहा यार, अभी हो गया हो गया क्या भैया, थैंक यू आयो, थैंक यू सर। भोजन आ गया, इसमें है चिकन मटन मच्छी हल्दी यो रात बूंदी वाल, इसमें तो तेली तेल है, ये जो बोलने मिर्च, ये चोली बात और आम अचार और रोटी। तो आप पहली बार यार रेलवे का खाना ट्राई करेंगे। तो यार दोस्तों स्पेस फुल हो गया था तो बात अधूरी रह गई थी। हाँ तो मैं क्या करता, पहाड़ों पे आपने देखा होगा किसी के ग्रह कमजोर होते हैं, ठीक है तो सपोज करो रात के 2 बजे और मन का चादर लपेट हुआ पड़ रहा, चादर ने सभी कलर है, ठीक है आप इस गैली से गए, आपने वॉशरूम जाने हैं और 1 2 3 4 5 6 6 2 8 8 जने सभी चादर में पड़ रहे, समझ रहे हो, 8 लोगों ने सभी चादर में सोए हैं और तकियाली सेम कलर है, मतलब देखो ये तो कोई डरेगा नहीं डरेगा, देखो ऐसे बच्चे जाएंगे अगर ऐसे गली में तो डर तो लगेगी ना। तो मेरा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का काम इंडियन रेलवे से अनुरोध है, जो आप ये व्हाइट कलर की चादर यूज कर देना, इसको पूरा काला कर दो, क्योंकि आदमी काला चादर काली तो अंदाजा नहीं आएगा, इससे क्या होता है ना अधिकांश लोग डर जाते हैं। आप सहमत इफेक्ट और बताओ जी जी बताइए रोचक है यहाँ पे जी जी, ये अभी रुद्रपुर स्टेशन आएगा, अच्छा स्टेशन इस साइड जाएंगे तो उत्तराखंड, इधर जाएंगे यूपी, अच्छा रुद्रपुर पे उत्तराखंड यूपी इस और उत्तराखंड, ठीक ठीक ठीक। जैसे हमारे थल में इस साइड गोलियाड़ उस साइड डीडियाड बीच में पुल, ऐसे समझा रहा हूँ रिलेट करके हल्का हल्का, इधर बिसंदा है उधर फकीरदा, इधर फकीरदा उधर बिसंदा, उधर मयूरदा इधर हरीजा, वो बॉर्डर से तो वो बॉर्डर वो थोड़ी इधर वाली